वहीं पलामू में बढ़ती धूप के कारण अभिभावकों को चिंता सताने लगा है, चिंता सता रहा है, जिस कारण से उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और ये चिट्ठी झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ ने चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, संघ ने डीसी को एक पत्र लिखा है। सरकारी स्कूल का समय बदलने की मांग की गई है, गर्मी को लेकर ये मांग की गई है। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, आसमान से जिस तरीके से जो गोले बरस रहे हैं, और लगातार जो है कई जिलों के तापमान हैं वो 40 डिग्री के पार हो गए, इसे देखते हुए जो बढ़ती हुई गर्मी है अभिभावकों को चिंता में डाल रही है, जिस कारण झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ ने एक चिट्ठी लिखी है। संघ ने डीसी को एक पत्र लिखा है, पलामू डीसी को पत्र लिखा है। इसमें साथ ही जो सरकारी स्कूल है उसके टाइम टेबल में बदलाव की मांग रखी गई है। जिस तरीके से जो गर्मी लगातार बढ़ते जा रही है, कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसको देखते हुए जो अभिभावक है वो कहीं ना कहीं चिंतित है। और इसे देखते हुए जो झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ है उन्होंने पलामू डीसी को एक पत्र लिखा है, जिसमें सरकारी स्कूल के टाइम टेबल में बदलाव की मांग की गई है। और इस पर अधिक बात करने के लिए पलामू से हमारे संवाददाता संजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीत, जिस तरीके से जो गर्मी है वो लगातार बढ़ते ही जा रही है और कई जिलों में जो है येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया, कहीं ना कहीं अभिभावक चिंतित दिख रहे हैं, जिस कारण से उन्होंने डीसी को पत्र लिखा है। हाँ जी, जी अनिकेत जी, बात तो आपकी एकदम बिल्कुल सही है। जिस तरीके से अभी गर्मी के मौसम में पारा बढ़ा हुआ है, घर से बाहर जो है बड़े लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। खैर, स्कूल के बच्चे की बात करें तो ऐसे गर्मी को झेल रहे होंगे इस अभी के गर्मी के मौसम में, और अभी गर्मी शुरू ही है और पारा 40 के पार यहाँ पलामू में चल रहा है। और ऐसे में अभिभावक संघ के जो अभिभावक संघ है उनके द्वारा एक पलामू उपायुक्त को एक चिट्ठी दी गई, जिसमें पत्रांक और दिनांक के साथ, और उसमें मांग की गई थी कि स्कूल में सरकारी हो या गैर सरकारी स्कूल, उसमें जो है कि उनको टाइम टेबल जो है उसमें बदलना चाहिए और बदलने की मांग करते हुए। बिल्कुल, समय में तो बदलाव होना चाहिए। जिस तरीके से छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कहीं ना कहीं लू लगने की संभावना हो सकती है, इस कारण से अभिभावक चिंतित भी दिख रहे हैं। जी, और इस मामले में एक आदेश भी झारखंड सरकार के द्वारा पारित किया गया है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा, जो कि इसमें केजी से आठवीं तक की कक्षाएं जो है 7 से 11:30 बजे तक चलेगी, और बाकी 9 क्लास से ऊपर के जितने भी हैं 7 से 12 बजे तक संचालित करने का आदेश पारित किया गया है, वो भी इस चिट्ठी के बाद। और इसमें कहीं ना कहीं और खेल कूद की बात करें तो बच्चे जैसे खेलते खेलते और अन्य गतिविधियां जो करते हैं वो उनके धूप में जो संचालित नहीं करने का भी आदेश पारित किया गया है। इस बात को जी संजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से जो धूप बढ़ी है इसको लेकर के अभिभावक जो है वो चिंतित दिख रहे हैं। पलामू के जो अभिभावक है उन्होंने डीसी को पत्र लिखा है और स्कूल के टाइम टेबल में बदलाव की उन्होंने मांग रखी है।